नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। देखिए, आज मैं लाल लाल टमाटर लेके आई हूँ। टमाटर जब बारिश का मौसम आता है ना, उस समय बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है और हम टमाटर खरीद नहीं पाते हैं। 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो हो जाते हैं। तो हम अभी बहुत अच्छी धूप आ रही है, बहुत अच्छी गर्मी पड़ रही है, तो इस समय मैंने क्या किया है कि ले लिया है टमाटर, अच्छी तरह से धो लिया है और इस तरह से कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि पानी ऊपर का सूख जाए। और अब क्या करेंगे कि इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसे निकाल देंगे, क्योंकि इसे खाने में यूज नहीं करते हैं, इसका नुकसान होता है। तो हम यदि ड्राई करके या कैसे भी लेते हैं तो नुकसान तो करेगा ही, इसलिए मैं इसे निकाल देती हूँ। देखिए इस तरह से, तो मैं सारे टमाटर का ऊपर का हिस्सा देखिए मैंने निकाल दिया है। और अब क्या करेंगे, इसे पतली पतली स्लाइस कर लेंगे। इस तरह से जितना पतली करेंगे उतना ही जल्दी हमारा ये स्लाइस सूख जाएगा। बहुत ज्यादा मोटा करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ये इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, इसमें 2 दिन में तो आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। पतले पतले करेंगे तो 1 दिन में ही सूख जाएगा। तो देखिए इस तरह से काट करके, और एक प्लेट ले लेंगे स्टील का, इसमें इस तरह से फैला देंगे। आप चाहें तो इसे कोई प्लास्टिक वगैरह हो साफ सुथरी उस पर भी फैला सकते हैं। तो इस तरह से सभी को काट लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से कट करके फैला दिया है। और इस तरह से आप यदि सुखा देते हैं, इसे धूप में रख देंगे। यदि आपके घर धूप नहीं आती है तो छोटी मोटी बालकनी है उसमें भी सुखा सकते हैं। ये पंखे के हवा में भी सूख जाएगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। यदि बिल्कुल आपके यहाँ धूप नहीं आती तो इस तरह से फैला दीजिए। फैला करके इसे सुखा लीजिए, दोपहर बाद इसे उलट दीजिए। 2 दिन में ये बहुत ही अच्छे से सूख जाएंगे। बहुत अच्छी धूप आजकल हो रही है और बरसात के बाद मौसम में टमाटर महंगी होती ही होती है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके लिए टमाटर की कमी नहीं होगी। तो जाती हूँ मैं इन सबको धूप में रखने, और उसके बाद इसके ऊपर पतला कपड़ा डालना ना भूले। यदि पतले कपड़े डाल देंगे तो इसके ऊपर डस्ट वगैरह नहीं आएगा और बिल्कुल साफ सुथरी आपका बनकर के तैयार होगा। करीब 1 किलो टमाटर मैंने काट लिया है इस तरह से। अब इसे धूप में डाल देते हैं सूखने। 4 प्लेटों में मैंने फैला दिया है। आपसे मिलते हैं सुखाने के बाद। ये देखिए हमारा टमाटर पूरे दिन रखने के बाद इस तरह से हो गया है। अब इसे सारे को पलट देंगे। इस तरह से देखिए बिल्कुल पतले पतले से हो गए हैं। आज धूप में रखने से बिल्कुल सूख जाएंगे ये देखिए। या ऐसे भी रख सकते हैं तो भी सूख जाएगा, इसे पलट देंगे तो और जल्दी सूख जाएगा। तो आज फिर पूरे दिन हम इसे सुखा देते हैं। ये देखिए हमारे लाल लाल टमाटर बिल्कुल सूख चुके हैं। देखिए आवाज इसकी। आप चाहें तो इस तरह से भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, और जब आपको बनाना हो कोई भी रेसिपी तो आप इसे पानी, गर्म पानी में डाल करके यूज कर सकते हैं, या फिर इसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है मिक्सी का जार, और इसमें डाल देंगे, इसे पीस लेंगे बारीक। ये देखिए मेरा बारीक पीस करके तैयार हो गया है ये टमाटर का पाउडर। आप इसे स्टोर कर सकते हैं। यदि हम बाजार से खरीदते हैं तो बहुत जगह तो मिलती ही नहीं है, जब ऑनलाइन मंगवाते हैं तो काफी महंगा मिलता है। तो इस तरह से घर पर ही बना करके काफी पॉकेट के पैसे बचा सकते हैं। इसे पीसते समय थोड़ा रोक रोक करके मिक्सी चलाएंगे तो बहुत आसानी से ये पाउडर बन जाएगा। और देखिए कलर इसका कितना अच्छा आया है। और जब इसे बनाएंगे तो अब बहुत आसानी होगा। जब टमाटर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं उस समय आप इसे यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी रेसिपी बनती है जिसमें आपको पाउडर चाहिए होता है, तो घर पर ही पाउडर हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसे किसी जार में इस तरह से भर लेंगे और अच्छे से पैक करके रखेंगे ताकि ये खराब ना हो। कलर भी कितना अच्छा आया है, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है। कई लोग बनाते हैं लेकिन वो काले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगे और डब्बे में अच्छे से पैक करके, सील्ड पैक करके रखेंगे तो बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। ये आप फ्रिज के बाहर भी आसानी से रख सकते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर के लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आसानी से देख सकें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।